मेरा नाम मोफिया मलिक है बार प्रोफेशन में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ आज हम जानेंगे महंगाई के दौर में हम खुश किस तरह से रह सकते हैं जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मॉडर्न इरा मॉडर्न इरा में चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं कि उन्होंने हमारी जो मेंटल हेल्थ है उस पर बड़ा इफ़ेक्ट किया है आपकी फैमिली फाइनेंस इतनी डिस्टर्ब हो गई है आपको समझ नहीं आ रहा कि हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन और इस सिचुएशन में आप अपनी मंथली जो बजटिंग है जो मंथली चीज़ें हैं उनको कैसे लेकर चलें तो जब आप इन चीज़ों से ओवरकम नहीं कर पाते तो आखिर पे आता है डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं आप यकीन मानिए पिछले कुछ टाइम पे रिसर्चि हुई हैं जिसमें यह बताया गया है कि बहुत सी फैमिलीज ने सुसाइड अटैम्प्ट की है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि इस सिचुएशन में जो मॉडर्न इरा या महंगाई का दौर है वो उसमें अपने जो डिप्रेशन है या अपनी जो नफ्सियाती मसाइल हैं उनसे कैसे निकल सकते हैं तो ये छोटी सी वीडियो में मैं आपको कुछ हेल्दी टिप्स बताऊंगी जो आपको हेल्प कर सकती हैं इस पूरी सिचुएशन में खुश रहने के लिए लिए सबसे पहली चीज ये है कि अपना लाइफ क्योंकि हम अपने आप को हमेशा दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं फलां बड़ी अच्छी गाड़ी में जा रहा है फलां का लाइफ बड़ा अच्छा है वो तो बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहा है उसके कपड़े बड़े अच्छे हैं उसके जूते बहुत अच्छे हैं ये ब्रांडेड है यानी या ये सारी चीज़ें जब आप सोचते हैं ना यानी अपने आप अप को आप कंपेयर कर रहे हैं दूसरे के साथ अब एक इंसान लो क्लास का है या मिडिल क्लास से है वो अपने आप को अलीट क्लास के पर्सन के साथ कंपेयर करेगा तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है उसकी फैमिली रूट्स कुछ हो रहे हैं आपकी फैमिली रूट्स कुछ हो रहे हैं तो सबसे पहले अगर आप स्ट्रिक रहे इस चीज़ के साथ कि आपने अपने आप को दूसरों के साथ कंपैरिजन में नहीं लेकर जाना जब हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं आप यकीन मानिए कोई भी अच्छी हमें खबर अपने अंदर या अच्छी चीज़ हमें अपने अंदर नहीं लगती दूसरा हमें बड़ा फैसिनेट कर रहा है लेकिन जब आप दूसरे की लाइफ को जा देखेंगे ना वो शायद हमसे ज़्यादा दुखी हो तो सबसे पहली चीज़ यही है कि इसमें आपने कंपेरिज़न नहीं लेकर आना दूसरी चीज़ हमारे अंदर ना अल्लाह तौला शुक्र अदा करने की बड़ी कमी है यानी हम शुक्र अदा करने की तरफ जाते ही नहीं है हम कहते हैं जी मेरे पास काश ही आ जाए अगर फॉर इंस्टेंस मेरे पास गाड़ी आ गई तो मैं कहूँगी इसका लेटेस्ट वर्जन मेरे पास आ जाए मोबाइल है तो इसका लेटेस्ट वर्जन आ जाए यानी जो चीज़ मेरे पास है मैं उस पर खुश नहीं रहूंगी काश मेरे पास ये चीज़ होती काश तो ये जो काश और विशेज वाली चीज़ हम ले आते हैं ना और हम अपना शुक्र अदा नहीं करते खुश नहीं रहते विच यू हैव टू डे यानी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते जो हमारे पास है बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर सड़कों पे हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें खाने को नहीं मिल रहा हम उनको नहीं देखते हम उन लोगों को देखते हैं जिनके पास बहुत कुछ है तो खुदारा अपने अंदर ये अल्लाह ताला से शुक्रगुजारी का एलिमेंट लेकर आए जब भी आप लो फील करें ना अपने से नीचे के लोगों को देखें कि वो भी जिन्हें ये नहीं पता कल को सड़क पर जो रह रहे हैं उन्हें खाने को मिलेगा या नहीं आज का मिल रहा है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है अब तीसरी चीज जो बड़ी ही जरूरी है हम अपना मंथली बजटिंग नहीं करते हैं कि महीने का जो पूरा हमारा एक्सपेंस है घर का फॉर इंस्टेंस मुझे पता है मैंने मंथली ग्रोसली रननी है तो उसके लिए कितना बजट रखना है मैंने अपनी सोशल लाइफ के लिए कितना बजट रखना है मैंने घर वालों को बजट देना है तो कितना देना है तो इसको एक राइट अप की फॉर्म में आपके जितनी सैलरी है या आपका जो इन, जितना इनकम सोर्स है उसको लिखें और उसको बजटिंग करें प्रॉपर्ली ताकि आपको इशू ना आए तनख्वा आई है प, पहले पंद्रह दिन में हमने सारी चीज़ें कर ली बड़ी अयाशी कर ली कपड़े खरीद लिए हर चीज़ कर ली लेकिन आखिरी पंद्रह दिन में लाले बढ़ गए जी हमारे पास कुछ है ही नहीं है तो इससे बेहतर है कि आप एक जर्टी वे में मैनेजमेंट करें अपनी जब तक आप इस चीज़ की मैनेजमेंट नहीं ना करेंगे आप कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे तो ये तीन बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं और लास्ट है अपने लाइफ को मैंटेन करें जो आपका लाइफ है ना उसमें आपने अगर कुछ अचीव करना या कुछ बड़ी चीज़ लेनी है तो उसको छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लें। जब तक आप बेबी स्टेप्स नहीं लेंगे आप चाहेंगे कि रातों रात ही हम अमीर हो जाएं, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा आप छोटे छोटे स्टेप्स से स्टार्ट करें तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी कि इस महंगाई के दौर में इतने मुश्किल दौर में भी आप अपने आप को खुश रख सकते हैं उम्मीद करती हूं ये वीडियो आपको हेल्प करेगी थैंक यू सो मच